पुकारो सुन के जुबा चल पड़े हैं हम एक सफर दो अनजान वक्त कदरिया है कोई पाए ना था कौन गली मिल जाए यारो अपना मकाम पालिया जीने का आज बहाना जानिया यह क्या खोना क्या पाना पानिया राहे ही मेरा ठिकाना चल तेरे साथ ये बात बन जाए रंग जाए रंग जाए तेरे संग जिंदगी आज रंग जाए थम जाए थम जाए ये लम्हे बस यही आज थम जाए सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूंगी थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर रंग जाए को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस से एक ही वीक में 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं जानना चाहूंगी कितनी खुशी की बात है और क्या कुछ फील हो रहा है नहीं ऑफ कोर्स अच्छा फील हो रहा है जब आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं किसी चीज़ पर काम करते हैं जब वो बाहर आती है चीज़ तो लोग उसे बहुत सराहते हैं प्यार करते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि रंग जाए को लोगों ने इतना प्यार दिया है और धीरे 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 जो है गाना अपनी मंजिल तक पहुँच रहा है सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी गाना हर्षित चौहान ने कंपोज किया है सो आई एम ग्लैड कि एक बहुत ही नीच गाना है इट्स नॉट अ वेरी कमर्शियल सॉन्ग आई ट्राइड समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई एम हैप्पी दैट पीपल हैव अप्रिशिएटेड द सॉन्ग रंग जाए का गाना जो उसका आइडिया है बेसिकली वो आया मेरी ज़िंदगी से गाने का जो टैगलाइन है चेज योर ड्रीम्स कहीं ना कहीं मैं भी अपने सपनों के पीछे भाग ही रहा हूँ इतने सालों से और बहुत से लोग हैं बहुत से यंगस्टर्स हैं जो जिनके सपने हैं जिनके पैशंस हैं जो भूल जाते हैं अपने सपनों के पीछे भागना ज़िंदगी के उसमें घुस जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमारा ये सपना है उसे पूरा नहीं कर पाते तो ये गाना यही है जो एक बहुत सिंपल सा मैसेज कहता है लोगों को टू गो एंड चेज योर ड्रीम्स आगे जाएं आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें सपने देखें और उसे पूरा करें जाकर तो मेरी ज़िंदगी में वही है मेरे सपने हैं और मैं सपनों के पीछे भाग रहा हूं तो मुझे लगा क्यों ना एक गाना हम बना लें इसके लिए चैलेंजिंग तो ऑफकोर्स रहा है बिकॉज मैं एक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ सिंग भी कर रहा हूँ गाने में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स जो है वो टिकनी हो जाती है बट मेरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट सो थैंक यू माई टीम फॉर बींग देयर एंड प्लस एक मेरा विजन है और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे एक मौका मिल रहा है खुद के गाने डायरेक्ट करने के लिए सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट आरुषि ऑफकोर्स प्लेज द कैरेक्टर ऑफ मायरा इन द सॉन्ग और उसको मायरा ने ही कास्ट किया था जो मेरी फ्रेंड है और शी इज़ गॉट द टैटू शीज गॉट द लुक शीज गॉट द फील सो वी फेल दैट शी एब्सोल्युटली फिट्स द बिल ऑफ द गर्ल इन द कैरेक्टर जो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड और एक बोहेमियन कैरफ्री लड़की है एंड आई फील दैट उसने बहुत अच्छा काम किया गाने में गाने को शूट करना बहुत मुश्किल था कठिन था बिकॉज हमने बारिश के मौसम में सोच डिसाइड किया गाने को शूट करने के लिए तो हम जहाँ जा रहे थे वहाँ बारिश हो रही थी कोयम्बटूर और कर्जत में गाना शूट किया है हमने तो फिर एक ऐसा वक्त था जब हमने बोला बारिश हो रही है तो एक सीक्वेंस बारिश में ही कर लेते हैं तो लॉट ऑफ द सॉन्ग इज शॉट इन द रेन तो बाकी यही कहूँगा कि बिकॉज माउंटेन है पहाड़ है लेक है इधर उधर से ट्रैवल सॉन्ग तो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आई हमें लेकिन बट द एंड रिजल्ट ऑफ द सॉन्ग नेट नेट इज़ गुड सो आई एम हैप्पी इंस्पायर मुझे ज़िंदगी करती है इंस्पायर मुझे अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस करते हैं इंस्पायर मुझे मेरे फादर करते हैं आई थिंक लाइफ ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी बिग टीचर लाइफ ऑफ कोर्स मेरी जो जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत मैटर करते हैं लाइफ में सो ऑफ कोर्स लाइफ आई वुड से बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर मी कोयम्बटूर में और कर्जत में और बॉम्बे में वी शॉट द सॉन्ग फॉर अबाउट 4 डेज जो ट्रैवल के पोर्शन थे वो हमने कोयम्बटूर और कर्जत में शूट किया है कर्जत बिकॉज वी हैव टू डू पैच वर्क बिकॉज कोयम्बटूर में बारिश शुरू हो गई थी और बाकी के जो सीक्वेंसेस इसके जो जो हमने बिगिनिंग का जो सीन है ओपनिंग सीन है वो बॉम्बे में शूट किया हमने आपकी वेब सीरीज भी आ रही है बहुत ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता उसके बारे में लेकिन हीना खान के साथ अभी मेरा एक वेब सीरीज ख़त्म हुआ है इट इज़ अ साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये और बहुत ही अच्छा किरदार है सब लोग डैमेज थे इसमें और बहुत एक्साइटिंग होगा जब ये बाहर आने वाला है सो आई एम होपिंग कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि मेरा डेब्यू है वेब स्पेस में हीना का भी डेब्यू है वेब स्पेस में एंड वी बोथ हैव लुक गुड टुगेदर एज अ पेयर सो आई होप दैट पीपल लाइक द शो
बहुत अच्छा थिंक ही ना ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली ग्राउंडेड और बहुत ही अच्छी एक्टर हैं तो बहुत ही समय बाद एक अच्छे एक्टर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कैरेक्टर के बारे में जैसे कि मैंने कहा मैं ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ बिकॉज लड़का जो है उस शो में बहुत ही डैमेज्ड है और पागल है और साइकोलॉजिकली चैलेंज्ड है तो जब शो बाहर आएगा तो आप देखेंगे मैं ज़्यादा कह नहीं सकता शो के बारे में। एक बड़ी वेब सीरीज साइन की है मैंने अभी जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता एंड ऑफकोर्स दो वेब सीरीज है इनफैक्ट आई एम गोइंग टू बी वर्किंग ऑन नाउ और उसके बाद जो मेरे सारे गाने हैं जो अभी आने वाले हैं चार ओरिजिनल्स और एक मेरा मैं एक अपने खुद के गाने का रिक्रिएशन करने वाला हूँ जिसके अनाउंसमेंट मैं अभी दिवाली पे करने वाला हूँ। दिवाली आ रही है सो किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं? पत्ते खेलेंगे एंजॉय करेंगे खाना खाएंगे चिल करेंगे दोस्तों के साथ दिवाली पे यही होता है एंड ऑफकोर्स पूजा करेंगे एंड स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है फैमिली के लिए आजकल सो आई वुड वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। मेमरीज कुछ नहीं है यार मेमरीज यही है टू बी एबल टू स्पेंड टाइम विद माय फादर टू बी एबल टू स्पेंड टाइम विद माय मदर टू बी एबल टू स्पेंड टाइम विद माय फ्रेंड्स। आई थिंक इससे बेटर चीज़ जब आप एक क्लोज नेट फैमिली में हैं उससे बेटर चीज़ नहीं हो सकती है कि यू गेट टू स्पेंड टाइम विद देम स्पेशली इन स्पेशल ओकेजन्स पे एंड जस्ट एंजॉय एंड जस्ट सिट एंड टॉक अबाउट लाइफ एंड स्टफ। श्योर होप कि मुझे अच्छे किरदार अच्छे रोल्स मिलते रहे यार। एनी जॉनर आई डोंट थिंक कि आई कैन आई डोंट वांट टू लिमिट माय सेल्फ जो मुझे अच्छा लगेगा जो मुझे इंटरेस्ट करेगा जो मेरे दिल को छुएगा वो वांट टू दैट। बहुत से एक्टर्स हैं रणबीर कपूर है दीपिका पादुकोण है जितने भी यंग जनरेशन के इतने अच्छे अच्छे एक्टर आयुष्मान खुराना है विक्की कौशल है आई होप दैट इन द फ्यूचर आई गेट टू वर्क विद देम। यही करता रहूँ यही बोलना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करते रहें मुझे लाइक करते रहें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलते रहे कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँ अच्छा काम कर पाऊँ बिकॉज जितना आप लोग मेरे गानों को मेरे काम को सराहेंगे उतना मैं ज़िंदगी में मोटिवेट होऊंगा इंस्पायर होऊंगा आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग ट्राई करने के लिए। मुझे फेलियर से डर नहीं है बट आई जस्ट वांट टू डू गुड वर्क सो जस्ट कीप लाइकिंग ऑल माय वर्क एंड जस्ट स्प्रेडिंग ऑल माय गुड वर्क। थैंक यू डॉन ना।